असलम डियर स्टूडेंट्स मायने में जना शौकत और मैं हूं आपकी केमिस्ट्री की टीचर आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक 2.2 पॉइंट टू विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए वट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एन ऐटम एंड सो फार हम डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल कि आखिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है जिसे हम बोहर मॉडल से बेस्ट वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं वी नो दैट देर इज समथिंग इन द मिडल ऑफ एन एटम जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में होंगे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इसके अलावा एक थर्ड पार्टिकल है एटम का जो कि है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इसको डिस्कवर किया था सर विलियम क्रुक्स ने जब उन्होंने डिस्कवर की थी कैथोड रेस अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन में हमने डिटेल में डिस्कस करना है कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और आज के इस लेक्चर में हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे शेल्स को कि शेल्स क्या होते हैं उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है उनको ड्रॉ कैसे किया जाता है उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होती है और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं सो so, चलिए इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन सेकेंड पार्ट है इस चैप्टर का अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं 2.1 पॉइंट वन टॉपिक विच वॉज रिलेटेड टू द थेज एंड एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू अटॉमिक स्ट्रक्चर और अब हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन बिफोर स्टार्टिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन नजर डालते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन सो ये है डेफिनेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन की और अगर आप देखें तो इस डेफिनेशन के तीन पार्ट्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन है ये इलेक्ट्रॉन्स की और कहाँ वो भी अराउंड द न्यूक्लियस और किस चीज़ में शेल्स और सब शेल्स में इसका मतलब हमें स्टडी करना है कि किस तरह इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं इन डिफरेंट शेल्स एंड According to their increasing energy. So, इसको पढ़ने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए वट इज शेल एंड वट इज सब सो लेट्स अगर बात करें शेल की तो शेल इज डिफाइंड एज अलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे उससे हम कहेंगे उसका शेल शेल के लिए एक और टर्म भी यूज होती है जो कि है ऑर्बिट या फिर एनर्जी लेवल ये दोनों टर्म्स भी शेल के लिए यूज हो सकती हैं अब देखते हैं कि आखिर इस शेल की प्रॉपर्टीज क्या हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट दिस इज द मेन एनर्जी लेवल इसको प्रिंसिपल एनर्जी लेवल भी कहा जाता है जैसे कि हम जानते हैं कि शेल्स हो सकते हैं और कुछ सब शेल्स भी हो सकते हैं सो so, यानी के मेन एनर्जी लेवल है शेल और हमने देखा कि शेल के लिए एक और टर्म ऑर्बिट भी यूज की जा सकती है और अब हमें मिली एक थर्ड टर्म विच इज एनर्जी लेवल सो अगर कहीं पे शेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल का वर्ड आएगा तो तीनों का मतलब एक ही है अगर बात करें इसकी रिप्रेजेंटेशन की हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड तो अगर तो आप डायग्राम की बात कर रहे हैं सो इट इज रिप्रेजेंटेड और अगर आप नंबर्स की बात कर रहे हैं तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एन के साथ और एन हो सकता है यानी कि वन का मतलब पहला शेल टू का मतलब दूसरा शेल और थ्री का मतलब तीसरा शेल अगर बात करें इसकी डेजिग्नेशन की सो दिस इज डेजिग्नेटेड एज एल्फाबेट्स जी हाँ इन्हें कैपिटल अल्फाबेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं और वो ए से स्टार्ट नहीं होते यूजुअली यहाँ पे ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है जब हम शेल्स को नाम देते हैं शेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं सो वी स्टार्ट विद के सो के एल एम एन ये आएंगी डेजिग्नेशन इन शेल्स की अगर बात करें एनर्जी की तो हर शेल की अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी होती है और एनर्जी अगर हम बात करें मिनिमम और मैक्सिमम एनर्जी की सो मिनिमम एनर्जी होगी उस शेल की विच इज़ नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस जो शेल न्यूक्लियस के सबसे करीब है उसकी एनर्जी सबसे कम होगी और मैक्सिमम एनर्जी डिपेंड करेगी कि वो कितना डिस्टेंस पे है जैसे जैसे कोई शेल न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा वैसे वैसे उसकी एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी अब अगर हम काउंटिंग की बात करेंगे शेल्स की सो दे आर काउंटेड फ्रॉम न्यूक्लियस और हम इसे काउंट करते हैं आउटवर्ड्स so चलिए इन सारी प्रॉपर्टीज को एक डायग्राम से समझते हैं अगर आप समझें कि दिस इज योर न्यूक्लियस जो कि बहुत टाइनी होता है रदरफोर्ड ने भी बताया था कि वो बहुत स्मॉल चीज है बिकॉज आउट ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड सिर्फ फ्यू दे वर बाउंस बैक एल्फा पार्टिकल्स आई होप कि आपको रदर का एक्सपेरिमेंट अच्छे से याद होगा और आप हमेशा याद रखेंगे कि न्यूक्लियस का साइज बाकी सारे एटम के साइज के मुकाबले में बहुत कम होता है सो so, अगर ये मेरा टाइनी सा न्यूक्लियस है किसी भी एटम का और अगर मुझे ड्रॉ करना है इसमें पाथ यानी कि पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट पाथ ये अगर हमारा सेकेंड पाथ है दिस इज दर्ड पाथ एंड फॉर एग्जाम्पल दिस इज फोर्थ पार्ट अब जब हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे एन के साथ एज यू कैन सी दैट वी हैव रिप्रेजेंटेड इट विद सर्कल्स जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये जो सर्कल्स है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट शेल्स को अब जो नियरेस्ट द न्यूक्लियस है ये होगा वन दिस इज गोइंग टू बी टू थ्री फोर एज वी नो दैट वी काउंट फ्रॉम द न्यूक्लियस आउटवर्ड यानी न्यूक्लियस के पास वाला होगा फर्स्ट शेल और फिर ये आउट होता रहेगा अगर इसकी डेजिगनेशन की बात करें तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल्फाबेट से सो इट मीन दैट दिस फर्स्ट शेल इज के दिस इज एल दिस इज एम एंड दिस वन इज एन यानि के वन टू थ्री हुआ इसका नंबर यानी एन इज इक्वल टू वन एन इज इक्वल टू टू एन इज इक्वल टू थ्री एन इक्वल टू फोर ये है नंबर उसका लेकिन हम इसे डेजिग्नेट करते हैं विद अल्फाबेट्स। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा, जा सकता है कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सो के और वन एक ही बात है टू और एल एक ही बात है थ्री और एम एक ही बात है फोर और एन सेम चीजें सो एज यू कैन सी दैट शेल्स आर बेसिकली द सर्कुलर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दीज आर इमेजिनरी पार्ट्स ये पार्थ आपको दिखाई नहीं देता ये होता है इमेजनरी जैसे सोलर सिस्टम में किस पाथ पे प्लानट ने रिवॉल्व करना है अराउंड द सन ये इमेजिनेशन है इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स ने कित किस पाथ पे रिवॉल्व करना है वो भी इमेजनरी होगा अब देखते हैं कि शेल्स और उनकी एनर्जी हम देखेंगे कि डिफरेंट शेल्स को हम किस तरह के एनर्जी लेवल्स कह सकते हैं अगर बात करें फर्स्ट एनर्जी लेवल की सो फर्स्ट एनर्जी लेवल होगा के शेल क्योंकि हमने अभी देखा कि सबसे मिनिमम एनर्जी होगी उस शेल की जो कि है नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस यानी कि के शेल की होगी सबसे कम एनर्जी सो so मैं कह सकती हूं कि लोएस्ट एनर्जी इसी तरह अगर सेकेंड एनर्जी लेवल की बात करें सो सेकेंड एनर्जी होगी शेल की और दिस शुड बी मोर देन फर्स्ट शेल सो इट्स एनर्जी इज मोर देन फर्स्ट शेल और व्हेन आई से फर्स्ट शेल सो आई मीन शेल. सेकेंड एनर्जी इज बेसिकली एल नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड एनर्जी लेवल सिंपल काउंट करेंगे आउटवर्ड्स के एल एम थर्ड नंबर पे अगर हम न्यूक्लियस से काउंट करना स्टार्ट करें सो वी हैव आर एम शेव और इसकी एनर्जी होगी मोर देन दिस सेकेंड वन विच इज एल शेल एंड सो ऑन फोर्थ एनर्जी लेवल यू विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस आउटवर्ड्स के एल एम एन एन इज द फोर्थ वन सो एन शेल इसकी होगी इन सबसे ज्यादा एनर्जी यानी कि इन फोर से अगर कंपेयर किया जाए तो इन फोर के मुकाबले में मैक्सिमम एनर्जी यानी कि अगर किसी एटम के हैं चार शेल्स तो उनमें से जो मैक्सिमम एनर्जी होगी वो होगी उसके फोर्थ शेल में और उसका फोर्थ एनर्जी लेवल होगा सबसे ऊपर जो कि आएगा उसके एन शेल में अब यहां तक हमें ये तो पता है कि शेल्स हो सकते हैं शेल्स के नंबर्स हो सकते हैं शेल्स को के एल एम एन कहते हैं शेल्स की एनर्जी डिफरेंट होती है लेकिन हमें ये नहीं पता कि हर शेल मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं सो so चलिए देखते हैं कि आखिर इसको पता लगाने का क्या फॉर्मूला है सो so इसको हम स्टडी करेंगे एक हेडिंग के अंडर मैक्सिमम कैपेसिटी

ब्रैकेट में एन और उसका स्क्वायर ये लिखना ज्यादा आसान है इससे कैलकुलेशन करते वक्त कोई एरर नहीं होगा नाउ इन दिस फॉर्मूला एन रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ शेल व्हेन आई से शेल तो इसका मतलब एनर्जी लेवल भी हो सकता है और इसका मतलब ऑर्बिट भी हो सकता है सो so, अगर आपको पता चलाना है सो so, तरीका बहुत ही आसान है आपको ये पता होना चाहिए कि के, के शेल का नंबर क्या है और हम जानते हैं कि के, के शेल है पहला शेल सो उसका नंबर होगा वन सो फॉर के शेल करना क्या है आपको पता है कि एन इज इक्वल टू वन और सिंपल इस फॉर्मूले में हमें लगानी है अपनी वैल्यू सो टू और वन एन की जगह हम पुट करेंगे वन एंड आर आंसर इज गोइंग टू बी टू मल्टीप्लाई बाय वन विच इज इक्वल टू सो so, हम कह सकते हैं कि फर्स्ट शेल और के शेल कैन होल्ड मैक्सिमम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स अब ये तो हुई बात के शेल की अब देखते हैं कि आखिर एल शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है तरीका वही रहेगा फॉर एल शेल आपको पहले डिसाइड करना है कि इसका नंबर क्या है और एल शेल का नंबर है टू यानी कि अब एन की वैल्यू आई है हमारे पास फॉर्मूला सेम रहेगा और हम इस फॉर्मूले में एन की जगह टू पुट करेंगे एंड देन विल गेट आर आंसर अब चूंकि ये स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ टू के साथ है ये सिर्फ एन साथ ये सिर्फ सिर्फ के के साथ साथ था इसीलिए है सो योर आंसर वुड बी समथिंग लाइक दिस टू टू 4 एंड एट वुड बी मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एल शेल इसी तरह फाइंड करते हैं मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर एम शेव और एम शेल के लिए भी वी नो दैट एन इज इक्वल टू वन टू थ्री दिस इज दर्ड वन सो एन की जगह आएगी वैल्यू थ्री की सो टू आंसर वुड बी एटीन एंड फॉर लास्ट वन विच इज एन अब मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट यूज करूंगी एज वी नो दैट एन इज द फोर्थ शेल सो टू एंड फोर स्क्वायर विच वुड बी इक्वल टू थर्टी टू अब यह तो हुई कैल्कुलेशन आपको इनको जब इस्तेमाल करना होता है डिफरेंट क्वेश्चन में So, आप मेक श्योर sure करें कि आप इसको डायरेक्ट ही लर्न कर लें कि फर्स्ट शेल कैन होल्ड मैक्सिमम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड कैन होल्ड मैक्सिमम ऑफ एट इलेक्ट्रॉन्स थर्ड कैन होल्ड मैक्सिमम ऑफ एटीन इलेक्ट्रॉन्स एंड फोर्थ कैन होल्ड मैक्सिमम ऑफ थर्टी टू इलेक्ट्रॉन्स सो ये है सारी की सारी डिटेल रिलेटेड टू शेल्स कि शेल्स क्या होते हैं शेल्स होते हैं सर्कुलर पार्थ रिप्रेजेंट करते हैं हम इन्हें सर्कल से और या फिर वन टू थ्री और एन यूज करते हैं इसके नंबर के लिए डेजिग्नेटेड हैं ये बाय कैपिटल अल्फाबेट्स जो कि स्टार्ट होते हैं के से के एल एम एन ऑनवर्ड्स और हम इन्हें काउंट करते हैं फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटवर्ड्स एनर्जी की बात करें सो so वो शेल जो न्यूक्लियस के सबसे पास होंगे उनकी एनर्जी होती है कम सो so सबसे लोएस्ट एनर्जी है के शेल की क्योंकि वो न्यूक्लियस के सबसे पास होते हैं जैसे जैसे आप दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी लेवल इंक्रीज करता जाता है एंड इफ वी टॉक अबाउट मैक्सिमम कैपेसिटी टू अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन तो उसको हम इस सिंपल से फॉर्मूले की मदद से फाइंड कर सकते हैं और इसका ये मतलब है मैक्सिमम कैपेसिटी का के जब तक के शेल में दो इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक इलेक्ट्रॉन अगले शेल में फिल नहीं हो सकता अब यहां हमें एक नजर डालनी पड़ेगी हमारी डेफिनेशन की तरफ अगेन इनक्रीजिंग एनर्जी के इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं अकॉर्डिंग टू देख एनर्जी यहां हम बात कर रहे हैं फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल की तो इंक्रीजिंग एनर्जी में देखें पहला एनर्जी लेवल के है तो पहले इलेक्ट्रॉन के में ही आएंगे जब तक के शेल फिल नहीं होगा इलेक्ट्रॉन एल में नहीं जा सकते सेम जब के फिल हो जाएगा तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन वो आएंगे एल शेल में और जब एल शेल पूरा कंप्लीट हो जाएगा और हम जानते हैं कि एल शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी है एट तो जब वो पूरा हो जाएगा तभी एम शेल में इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं जब तक एक एनर्जी लेवल फिल नहीं होगा इलेक्ट्रॉन्स अगले एनर्जी लेवल में मूव नहीं करेंगे सो so स्टूडेंट्स हमने देखा है शेल्स को इन डिटेल कि शेल्स क्या होते हैं शेल ऑर्बिट और एनर्जी लेवल एक ही वर्ड है इसका एक ही मतलब है हमने देखा कि वॉट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ शेल्स हमने ये भी देखा कि एनर्जी लेवल किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है शेल्स में और अगर हम शेल को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो किस तरह से करेंगे और अगर हमें इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी फाइंड करनी हो तो हम टू एन स्क्वायर वाला फार्मूला लगा के इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं हम अपने आने वाले लेक्चर में सब शेल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये सीखेंगे कि किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इन शेल एंड सब शेल कैसे लिखी जाती है सो so, तब तक के लिए इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कीजिए अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर अल्लाह